वो दो दो लेके दौड़ाते हुए आ रहा है। अबे अबे अरे भाई यार भाई इतना दौड़ा क्यों रहे हो यार? बस बस आराम से बस कर भाई। अबे आराम से चल। अबे रुक जा भाई। अबे रुक भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू घुमक्कर साहब। दोस्तों अभी हम है कुफरी में, जो कि शिमला से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और आज हम चल रहे हैं कुफरी के जो टॉप पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वहां हम चल रहे हैं, वो भी खच्चर से। और ये हम और एक हमारे दोस्त यहाँ मिले हैं जिनका नाम अविलाश है। अविलाश तो हम और अविलाश चल रहे हैं कहाँ भाई? कुफरी का टॉप पॉइंट। कुफरी के टॉप पॉइंट, तो अभी देखते हैं हम लोगों का कैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे रहता है। कुफरी दोस्तों ऐसी जगह कि यहाँ पर जो भी शिमला आता है वो कुफरी में तो जरूर आता है एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये मेन पॉइंट है शिमला का, क्योंकि यहाँ देखिए स्नोफॉल भी होता है, तो कुफरी में सबसे पहले स्नोफॉल होता है, क्योंकि कुफरी यहाँ शिमला एरिया का सबसे टॉप पॉइंट है। और यहाँ से आप देख रहे हो, ये है कुफरी का मार्केट। दोस्तों अभी हमारा घोड़ा आ गया है और अब हम चल रहे हैं ऊपर टॉप पॉइंट पे। 500 रुपये अभी हम बैठते हैं। चले भाई बैठे, ये पकड़ लो ना, सर भाई। ओके पकड़ लो। अभी देखो मैं बैठ गया हूँ अपने घोड़े पे और अभी हम चल रहे हैं टॉप पॉइंट पे। कि यहाँ पर सभी लोग जाते हैं यहाँ पर हॉर्स राइडिंग। यहाँ कुफरी आने का मतलब है कि हॉर्स राइडिंग तो करो ही आप। ये हॉर्स खच्चर तो इसको प्रॉपर हम नहीं बोल सकते, ये मिक्स ब्रीड होता है। तो हाँ ये चलते हैं आराम से आराम से। देखो अरे यार बीच में तो देख लो कहाँ घुसा रहे हो, थोड़ा गैप रखो ना छोटू, गैप रखो गैप। देखो खच्चर छोटू इधर जा रहा है यार, गैप रखो ना। अरे भाई आओ मसाला है सुनीला। ऑफ रोड टाइप में थोड़ा सा चलाते हैं, थोड़ा गंदे टाइप में, पर ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस होना चाहिए ऐसा भी। तो अभी तो काफी शानदार लग रहा है। पैर भी तो देखो यार कहाँ जा रहा है भाई। भाई दोस्तों अभी क्या है, जो कंट्रोल कर रहा है घोड़े को वो सिर्फ एक बंदा जो मेरे जिसमें मैं बैठा हूँ वो कंट्रोल कर रहा है, और ये अविलाश भाई पीछे जो बैठा है ये इसका ये मेरे घोड़े में बांध रखा है। अनकंट्रोल घोड़ा है इसके पीछे जो बैठा है। यार बहुत ज्यादा डस्ट है भाई। चलो भाई शुक्र है कि कम से कम मेरा जो घोड़ा है वो इसके हाथ में है, बाकी अविलाश भाई का जो देख रहे हो पीछे ये कोई पकड़ा नहीं है। रस्सी रस्सी पकड़ो। अबे नहीं यार तुम पकड़ो, मैं जाऊंगा नहीं। अरे यार पीछे खींचने लगता। तो दोस्तों आज पहली बार देख रहे हो मैं हॉर्स राइडिंग भी कर रहा हूँ, अभी कोई है नहीं, सिर्फ मैं पकड़ा हूँ और मैं ही चला रहा हूँ। ये ओवरटेक कर रहा है। अरे भाई आराम से बढ़े। अच्छा ये सारा सिस्टम यही है भाई? हाँ एक मानने वाला सिस्टम है सभी में। आज घोड़े की मालिक मैं ही हूँ, देख रहे हो? हाँ, आप ही हो। ये मैं ही हूँ और इसको मैं ले चल रहा हूँ। हाँ भाई चल 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 भाई आराम से थोड़ा चल। हाँ अरे भाई रुको, किस चीज का चार्ज है ये? फॉरेस्ट का, फॉरेस्ट एंट्री। ओके ओ भाई ऑलमोस्ट सभी लोग जितने आए वो सारे, कई तो ऐसे हैं कि बैठ गए, बैठने को तो बैठ गए पर रो रहे हैं। फिर पकड़ लो। चलो भाई भाई थोड़ा आराम से। अरे भाई जान। अरे यार भाई साहब अरे कमाल हो गया आज तो। ओ भाई भाई आराम से आराम से आराम से। चलो आराम। आ गए क्या? पैर निकाल लो, पैर निकाल लो, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ। तो ऐसे अभी लगा कर ही तो आऊंगा ना। अरे नहीं ये वाला पैर मेरी तरह भी ऐसे इधर को मैं घुमाऊं। आ जाओ 15-20 मिनट में आ जा रहे। ठीक है ठीक है विशाल, चलो
तो अभी हम चल रहे दोस्तों यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वहाँ हम पहुँच गए और थोड़ा सा यहाँ से अब चल कर जाना है, तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं। याक राइड भी होती है ना? अच्छा, जब स्नो रहता है तब। ये आपका कितना है भैया राइड? फोटो के लिए। तो अच्छा, जब स्नोफॉल रहता है तब राइड भी होता है क्या? होता है ना, लास्ट टाइम में आया था तो किया था। आ जाओ। अच्छा, इसका भी राइड रहता है? हाँ। तो भी आप लोग नहीं यार, गंगेस्टर बना हो गया भाई। ऐसे ही यूपी में बुरा हाल है गंगेस्टरों का। तुम गंगेस्टर बनाने पे लगे हुए उनको। हाँ, इसी फोटोज के लिए काफी लोग आते हैं ना, इनको फोटो लेना होता है इनके साथ। अब हम, मुझे लगता है कि हम लोग आ गए हैं एंड पॉइंट पे। यहाँ पर ऊपर में दोस्तों टॉप पॉइंट जो है वहाँ पर तो पूरा देखिए मार्केट की तरह यहाँ लगा हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ आए हुए हैं। देखिए शिमला जो आते हैं वो तो ऑलमोस्ट कुफरी में आते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जिनको भी थोड़ा बहुत भी पता होता है, जो सर्च करके आते हैं थोड़ा बहुत भी। वोटर पंप 200 रुपया, सामने निकाल जो दिखाना है, रेट वगैरह सब रखा है। शूटिंग स्पॉट दिखाना है, एप्पल विलेज दिखाना है, शीतला माँ का मंदिर, पैलेस खाना, राजा का महल, कामुल का माक्षा मंदिर, इंडिया चाइना बॉर्डर जहाँ पे लास्ट हो जाता है। अभी तो फॉग है, अभी तो कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों दिखा टेलीस्कोप? मतलब कुछ भी बोल रहे हैं, फॉग में क्या दिखेंगे यार टेलीस्कोप से? वो इनको 200 से अच्छा है कोई गरीब है उसको दे देते हैं, वो कम से कम ठीक है ना। एक क्लियर होता है मौसम तो उसमें चलो ठीक है, दिखता है। मशहूर नाग देवता का टेम्पल है, तो अब चलते हैं हम ऊपर और वहाँ से व्यू काफी शानदार आने वाला है। तो नाग मंदिर के अंदर अभी हम चल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है यहाँ का लोकल। आप जब कुफरी टॉप पॉइंट आ रहे हो तो नाग मंदिर आके दर्शन जरूर करें। दर्शन किया से मंदिर का? जय बजरंगबली। दोस्तों ये देखिए श्री नाग मंदिर, यहाँ भोलेनाथ का देखिए मंदिर है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ये दोस्तों कुफरी का फेमस टेंपल है श्री नाग मंदिर, जो कि आप देख रहे हो महादेव का यहाँ पर प्रतिमा बना है, बहुत ही खूबसूरत। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप देख रहे हो यहाँ पे ये जहाँ तक लगता है यह मन्नत पॉइंट है, यहाँ पे लोग मन्नत जो मांगते हैं और फिर यहाँ से, अब यहाँ से आप देखोगे ये काफी अच्छा व्यू आएगा इधर से। यहाँ देखिए टेलीस्कोप रखा हुआ है व्यू देखने के लिए, पर अभी मुझे कुछ नहीं लगता है कुछ यहाँ से दिखने वाला, क्योंकि आप देखिए पूरा फॉग हो गया है चारों तरफ। अब यहाँ से दोस्तों व्यू काफ़ी शानदार है, बहुत बढ़िया। दोस्तों अभी क्या है, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और बारिश कभी भी हो सकती है, ठंड भी काफ़ी बढ़ गया, तो अभी हम स्वेटर निकाल के डाल लेते हैं स्वेटर शर्ट, वरना ठंड लग सकती है। तो पहले स्वेटर शर्ट में डाल लेता हूँ, फिर अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार देखो अब मौसम पूरा चेंज हो गया और बारिश की ऐसी भी संभावना थी, तो बारिश कभी भी अब हो सकता है। तो बेटा यही रहा कि अभी मैं स्वेटर शर्ट पहन लूँ, स्वेटर शर्ट पहन के फिर मैं घोड़े वाले को कॉल करके बुलाता हूँ, फिर चलते हैं नीचे। ये टिक्की चाट है क्या? कैसे है? बढ़िया है, पक्का? खिला दो, दो हाँ दो प्लेट दे दो और कॉफी ग्लास। हाँ एक काम करो, एक प्लेट करो हाँ? और एक प्लेट और कुछ ट्राई करते हैं। और कुछ क्या है भैया? वो सब तो फर्जी है यार, पंगा हो गया है कि ये बारिश अभी स्टार्ट हो गई है, तो बारिश में काफी हलचल सा हो गया है और सभी लोग परेशान हैं नीचे जाने के लिए, क्योंकि अभी तो चलो गनीमत है, बहुत ज्यादा तेज नहीं है बारिश। अभी बारिश होने की वजह से काफी दिक्कत होने लगी है यहाँ पर, और एक चीज़ तो सही है कि चलो धूल अभी कम उड़ रहे हैं, पर अभी घोड़े भी थोड़े से अनकंट्रोल हो गए। अभी हम लोग वापसी कर रहे हैं, तो वापसी में ये सेम नहीं है ना दूसरा, कि ये सेम है, सेम ही लग रहा है ना भाई, वो तो दौड़ा रहा यार ऊपर चढ़ गया दौड़ाते हुए। अरे भाई, अरे फिर आ रहा दौड़ते हुए, अबे ये ये मस्त दौड़ते हुए आ रहे भाई, है भाई ये चलाना तब क्या